नमस्कार, कैरियर न्यूज में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, वैकेंसी आई है आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, जो कि असम में है। इम्पोर्टेंट डेट, फिर उसके बाद डिटेल इसका देख लेंगे सब्जेक्ट वाइज। देखिए, जो अप्लीकेशन है ऑनलाइन, आपको अप्लीकेशन फिलअप करना है। उसके लिए 24 अप्रैल 2023 को लिंक अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। अप्लीकेशन का लास्ट डेट जो होने वाला है ऑनलाइन सबमिशन का, वो 13 मई 2023 है। और हार्ड कॉपी जो है अप्लीकेशन का प्रिंट करके आपको सेंड करना है विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कि 27 मई 2023 तक गिवन एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए, नोटिस पर, जो कि इसी PDF में दिया गया है। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देख लेते हैं। देखिए, प्रोफेसर के लिए 14 वैकेंसी है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 25 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 29 वैकेंसी है। यहाँ सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट और रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है, जो कि असम के लोगों के लिए है। जो आउटसाइडर है उनको जनरल कैटेगरी में फिलअप करना पड़ेगा। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, OBC को जा रहा है ये। और स्पेशलाइजेशन आप यहाँ देख सकते हैं, सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ना। कैटेगरी आप देखते चलिए, हम इसको फटाफट देख लेते हैं। मैथ में, मैथमेटिक्स में जो है एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए, प्योर स्पेशलाइजेशन जो है ओपन है। स्पेशलाइजेशन और OBC और MOBC जो है इसका कैटेगरी है। स्टैटिस्टिक्स में देखें तो ओपन है ये सीट अनरिजर्व के लिए। जूलॉजी में एक पोस्ट है, OBC को जा रहा है। फिजिक्स में एक पोस्ट है, वैसे ही प्रोफेसर के लिए। कॉमर्स में एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। संस्कृत में एक पोस्ट है, OBC को जा रहा है। और हिंदी में एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। पोलिटिकल साइंस में एक पोस्ट है, OBC को जा रहा है। साइकोलॉजी में एक पोस्ट है प्रोफेसर की, जो कि अनरिजर्व के लिए जा रहा है। अप्लाइड साइंसेज में देखें तो इसमें 3 वैकेंसी है और तीनों की यहाँ स्पेशलाइजेशन दिया गया। MSc ऑर्डरली है, अनरिजर्व और OBC को जा रहा है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें एंथ्रोपोलॉजी में, तो इसमें 3 वैकेंसी है और तीनों के स्पेशलाइजेशन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और फिर प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी, जो कि OBC अनरिजर्व को जा रहा है। ज्योग्राफी में एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। जियोलॉजिकल साइंस में 2 वैकेंसी है, जो कि मेटाफोरिक पेट्रोलॉजी में ST को जा रहा है और एक जो है ओपन जो है OBC को जा रहा है। फिजिक्स में देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स अनरिजर्व के लिए है। बोटनी में एक सीट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। स्टैटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए। जियोलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री अनरिजर्व के लिए सीटें जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो इतने सारे स्पेशलाइजेशन वाले लोग फिलअप कर सकते हैं। क्रमशः इसमें स्पेशलाइजेशन ABC करके दिया गया अनरिजर्व के लिए, ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। फिर उसके बाद कॉमर्स में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए एसोसिएट प्रोफेसर का। फिर उसके बाद ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में देखें तो OBC को ये वैकेंसी जा रही है। असामी में 2 वैकेंसी है, एक कंपेरेटिव लैंग्वेज स्टडी और टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म, MA इन संस्कृत भी चलेगा ये 1 SC को अगर अनरिजर्व के लिए। इकोनॉमिक्स में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स OBC MOBC को जा रहा है। पोलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। लिंग्विस्टिक में एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन यहाँ गिवन है। इंग्लिश में अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर का। फिर एसोसिएट प्रोफेसर का हिस्ट्री में देखें तो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन MEd कोर्स के लिए यहाँ पे इतनी सारी स्पेशलाइजेशन वाले लोग फिलअप कर सकते हैं, अनरिजर्व को जा रहा है। और फिर संस्कृत में एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, जिसमें वेदा ग्रुप बी के लिए, दर्शन ग्रुप सी के लिए अनरिजर्व और OBC को जा रहा है। हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व का 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 वैकेंसी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। अप्लाइड साइंसेज में 2 वैकेंसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटालिसिस और एनालिसिस एंड अलजेब्रा ST और अनरिजर्व के लिए जा रही हैं। बोटनी में 2 वैकेंसी है, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और एक OBC के लिए है और एक अनरिजर्व के लिए। मैथमेटिक्स में देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फ्लूइड डायनेमिक्स, CFD, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ये 1 वैकेंसी SC के लिए, एक अनरिजर्व के लिए। स्टैटिस्टिक्स में देखें तो ओपन है, डिजायरेबल कैपेबिलिटी टू टीच रिलायबली ST के लिए वैकेंसी है। और केमिस्ट्री में देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रेफरेबल सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ST के लिए वैकेंसी है। फिजिक्स में देखें, थियोरोलॉजिकल फिजिक्स और हायर एनर्जी फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स
रिजर्व के लिए बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतनी सारी स्पेशलाइजेशन गिवन है, ओबीसी को जा रहा है। और फिर उसके बाद कॉमर्स में देखें तो एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, जो कि एसटी के लिए जा रहा है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो ओबीसी के लिए वैकेंसी है, एक वैकेंसी एजुकेशन में, तीन वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन या गिवन है और ये अनरिजर्व एससी और ओबीसी को जा रहा है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में ओपन वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व के लिए। फिलॉसफी में देखें तो इंडियन फिलॉसफी या रिलीजन में ओबीसी को जा रही है सीटी। हिंदी में एक वैकेंसी ओपन है अनरिजर्व के लिए। फिर लॉ में देखें तो चार वैकेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ ओपन एंड ह्यूमन राइट्स अनरिजर्व, ओबीसी, एमओसी, एससी अनरिजर्व, इस तरह से ये वैकेंसी जा रही है। और फिर उसके बाद एजुकेशन में देखें एमएड कोर्स के लिए तो अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है, तीन वैकेंसी है, तीनों के स्पेशलाइजेशन याद दिया गया है। फिर उसके बाद संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर की तीन वैकेंसी है, वेदा ग्रुप बी, दर्शन ग्रुप सी और दर्शना ग्रुप सी, जिसमें एससी अनरिजर्व और एससी के लिए वैकेंसी। असामी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है जो कि कंपेरेटिव लिटरेचर मांगा जा रहा है। स्पेशलाइजेशन या सैलरी या पे लेवल देख सकते हैं। एक फी जो देखें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 500 फी है और उसके अलावा जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1000 फी लगने वाला है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट वगैरह मांगा गया है।